हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW का 100th डायनामाइट एपिसोड था। पर इसके साथ ही डायनामाइट शो इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। इसीलिए गाइस, हमें इस शो के ऊपर बहुत सारी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिली है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइस, इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर सैंटाना और ओटीज अपने एक रिमैच के अंदर FTR को फेस कर रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस, जितना बढ़िया मैच हमें इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में पिछली बार देखने को मिला था, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया ये टैग टीम मैच था। और इसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर कैश व्हीलर की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और इस मैच के अंदर कैश व्हीलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉबेबली कैश व्हीलर की इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। और यहाँ पर क्राउड का तो क्या ही कहना, क्योंकि गाइस ये डायनामाइट शो शिकागो के अंदर था, और गाइस शिकागो का क्राउड रेसलिंग के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत से लेकर आखिर तक क्राउड बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक देखने को मिला है। और इसी मैच में एक टाइम के लिए FTR ने सैंटाना और ओटीज के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर भी लगाया, पर इसके बावजूद भी यहाँ पर किक आउट कर यहाँ पर FTR के ऊपर लगातार अपने बहुत ही बढ़िया टैग टीम मूव्स लगाने के बाद सडनली सैंटाना और ओटीज ने FTR को पिन कर दिया। और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर अपना टैग टीम फिनिशर ना लगाते हुए सैंटाना और ओटीज ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो इस मैच की एक सरप्राइज एंडिंग थी। और इस बार इस मैच के अंदर कोई इंजर्ड नहीं हुआ, पर गाइस प्रॉबेबली इसके पहले FTR ने सैंटाना और ओटीज के ऊपर एक नॉर्मल टैग टीम लगाकर मैच जीता था, इसलिए शायद हमें इस बार सैंटाना और ओटीज FTR के ऊपर एक नॉर्मल टैग टीम लगाकर मैच जीती हुई दिखाई दी है। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 और डेनियल ग्रासिया एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए डेनियल ग्रासिया ने कहा कि डेनियल ग्रासिया डार्बी आयलन को टफ नहीं मानते, क्योंकि डार्बी आयलन को उनका हर एक मैच जीतने के लिए स्टिंग की जरूरत पड़ती है। और इस सब के बावजूद डार्बी आयलन को CM Punk के खिलाफ AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर एक मैच मिल रहा है, जो देखकर डेनियल ग्रासिया काफी ज्यादा गुस्सा है और डेनियल ग्रासिया ये मैच नहीं होने देने वाले, जो बात यहाँ पर डेनियल ग्रासिया ने इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें हमें उनके होम टाउन के अंदर बहुत ही बढ़िया चेयर देखने को मिला है। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए CM Punk कह रहे थे कि क्या अब तक क्राउड CM Punk से नाराज नहीं हुआ, क्योंकि CM Punk ने देखा है कि आजकल रेसलिंग फैंस काफी जल्दी बोर हो जाते हैं, पर जब तक CM Punk AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ सकते हैं, तब तक CM Punk AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आकर एंजॉय करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर CM Punk ने कही। और आगे बात करते हुए CM Punk कह रहे थे कि CM Punk ने पिछले करीब करीब 7 साल से रेसल नहीं किया, इसलिए CM Punk अपने ऑल आउट पेपर के ऊपर होने वाले मैच को लेकर नर्वस है, और वो यहाँ पर नर्वस है ना कि घबराए हुए, जो बात यहाँ पर CM Punk ने कही। और हमें यहाँ पर क्राउड की तरफ से CM Punk के लिए यू स्टिल गॉट इट के चैंट सुनने को मिले, जो देखने के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा था। पर आगे CM Punk बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर 2.0 और डेनियल ग्रासिया आ गए। और यहाँ पर आकर 2.0 और डेनियल ग्रासिया ने CM Punk के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखा जाए तो AEW के एक बहुत ही बढ़िया मूव है, क्योंकि CM Punk के काफी बड़े सुपरस्टार है। और यहाँ पर डेनियल ग्रासिया और 2.0 ने CM Punk के ऊपर अटैक कर दिया है, जिससे कि अब काफी सारे लोग डेनियल ग्रासिया और 2.0 को भी देखेंगे। पर तभी यहाँ पर CM Punk बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि डार्बी आयलन और स्टिंग आ गए। और यहाँ पर आकर डार्बी आयलन ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर अटैक करते हुए डेनियल ग्रासिया के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाया, स्टिंग ने जेफ पार्कर के ऊपर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाया, और CM Punk ने यहाँ पर अपना कमबैक करते हुए मैट ली के ऊपर अपना फिनिशर गो टू स्लिप लगाया, जो देखने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड काफी लाउड था। और इसके बाद CM Punk और डार्बी आयलन एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में थोड़ी फार फिजिकलिटी देखने को मिल सकती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर स्टिंग ने माइक लेकर बातें करते हुए कहा कि स्टिंग CM Punk के काफी बड़े फैन है, और माने कि आज तक स्टिंग और CM Punk के करियर के अंदर स्टिंग और CM Punk एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, पर स्टिंग होप करते हैं कि एक दिन स्टिंग CM Punk के साथ रिंग शेयर करेंगे। और यहाँ पर स्टिंग सभी चीजें फेयर एंड स्क्वेयर रखना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टिंग कहते हैं कि ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर स्टिंग डार्बी आयलन के साथ नहीं रहने वाले, यानी कि ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर डार्बी आयलन को अपना मैच खुद लड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमें CM Punk और डार्बी आयलन के बीच में एक फेयर एंड स्क्वेयर मैच देखने को मिले, जो बातें कहकर स्टिंग यहाँ से चले गए। और इसके बाद हमें डार्बी आयलन और CM Punk के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला, जिसके बाद डार्बी आयलन भी यहाँ से चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि जब ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर हमें डार्बी आयलन और CM Punk के बीच मैच देखने को मिलता है, तभी मैच इतना बढ़िया मैच होता है, और क्या CM Punk अभी उस तरीके से रेसल कर पाते हैं जैसे कि CM Punk पहले करते थे। लेकिन इसके बाद हमें AEW डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और क्रिश्चियन केज के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद टोनी शिवानी एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर MJF का इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि वो यहाँ पर वर्ल्ड के मोस्ट डिस्कस्टिंग ह्यूमन बीइंग का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पर MJF ने टोनी शिवानी को इतने बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू कहा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्रिस जेरिको से बात करते हुए MJF ने कहा कि क्रिस जेरिको ने अब तक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने बहुत ही बड़े बड़े गिमिक्स लाए हैं, और जेरिको हमेशा से अपने आप को रेलेवेंट बनाकर रखते हैं, और अभी ही AEW कंपनी के अंदर रेलेवेंट रहने के लिए क्रिस जेरिको को MJF की जरूरत है, इसलिए क्रिस जेरिको MJF के पीछे आ रहे हैं। और क्या क्रिस जेरिको ने मोहम्मद अली की कहानी सुनी है या नहीं, क्योंकि एक टाइम के लिए मोहम्मद अली उनके बॉक्सिंग करियर के अंदर एकदम टॉप पर थे, और सभी लोग मोहम्मद अली को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते थे, और अली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है ये प्रूव करने के लिए अली बूढ़े होने के बावजूद भी बॉक्सिंग रिंग के अंदर आते थे, जिससे उनके बॉक्सिंग करियर के आखिरी मैचेस अच्छे नहीं रहे और उनकी रिटायरमेंट काफी बुरी स्टेज के अंदर हुई। और यही चीज MJF क्रिस जेरिको के साथ करने वाले हैं, और माना कि क्रिस जेरिको रेसलिंग इंडस्ट्री के माउंट रशमोर के ऊपर होना रिजर्व करते हैं, और MJF क्रिस जेरिको रिटायर कर जेरिको को उस जगह के ऊपर पहुंचा देंगे, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर MJF की बातें सच होती है या नहीं। लेकिन गाइस, इसके बाद हमें AEW डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी हार्डी फैमिली ऑफिस के जैक एवंस को फेस करते हुए दिखाई दिए। पर गाइस, ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर रेफरी ने मैट हार्डी को यहाँ से
डोमिनेट कर दिया, जिसके बाद हमें जैक एवंस और ऑरेंज कैसिडी के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। पर जितना बढ़िया ये मैच था उतनी ही वियर्ड इस मैच की एंडिंग थी, क्योंकि गाइस सडनली एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर जैक एवंस को रोल अप पिन किया और इस रोल अप पिन के सहारे ऑरेंज कैसिडी मैच जीत गई और प्रोबेबली ये सब चीजें ब्रेक के अंदर हुई। इसलिए जब टीवी पर फैंस दोबारा से शो देख रहे थे तो ये शो लाइव आने के बाद ऑरेंज कैसिडी मैच पहले ही जीत चुके थे, पर तभी यहाँ पर मैट हार्डी आ गए और यहाँ पर आकर मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को बचाने के लिए बेस्ट फ्रेंड्स आ गए। पर बेस्ट फ्रेंड्स के यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा हार्डी फैमिली ऑफिस आ गया और यहाँ पर आकर हार्डी फैमिली ऑफिस बेस्ट फ्रेंड्स और मैट हार्डी को अटैक कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि जुरासिक एक्सप्रेस आ गई, जो पता नहीं कि यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि हाल फिलहाल में जुरासिक एक्सप्रेस की स्टोरी लाइन लुचा ब्रूस के साथ चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस के आने का कोई सेंस बनता है। पर अब देखते हैं कि आगे जुरासिक एक्सप्रेस और ऑरेंज कैसिडी के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मीरो और एडी किंगस्टन के टीएनटी चैंपियनशिप मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एडी किंगस्टन कह रहे थे कि एडी किंगस्टन को पता चल चुका है कि मीरो की नेक मीरो की कमजोरी है, इसलिए एडी किंगस्टन मीरो के नेक के पीछे आने वाले हैं, जो बातें यहां पर एडी किंगस्टन ने कही। लेकिन यहां पर बात करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो की कमजोरी मीरो की नेक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात एडी किंगस्टन को मीरो के साथ रिंग के अंदर उतरने के बाद पता चल जाएगी, जो बातें यहां पर मीरो ने कही। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और सतोशी कोजिमा के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद जेआर रिंग के अंदर थे और यहां पर जेआर क्रिस जेरिको का इंटरव्यू ले रहे थे और यहां पर जेरिको से बात करते हुए जिम रॉस ने पूछा कि क्रिस जेरिको ने एमजेएफ के खिलाफ एक मैच क्यों मांगा है और यहां पर क्रिस जेरिको ने इस मैच के अंदर अपना करियर ऑन द लाइन क्यों रखा है। जिस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि माना कि सब लोग क्रिस जेरिको को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, लेकिन एमजेएफ के खिलाफ तीन तीन मैच हारने के बाद जब कभी क्रिस जेरिको सुबह सुबह उठते थे तब अपने आपका चेहरा आईने में देखने के बाद क्रिस जेरिको को ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली क्रिस जेरिको को रिटायर हो जाना चाहिए, पर जेरिको को एमजेएफ से बदला भी चाहिए था, इसलिए क्रिस जेरिको ने सोचा कि क्यों ना यहां पर क्रिस जेरिको एमजेएफ के खिलाफ एक मैच के अंदर अपना करियर ऑन द लाइन रखे, जिससे जेरिको के ऊपर प्रेशर होगा और अंडर प्रेशर जेरिको बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर जेरिको ये मैच हार जाते हैं तो फिर जेरिको मान लेंगे उनका टाइम खत्म हो चुका है और अब जेरिको को रिंग से दूर जाना चाहिए और वो एडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर खुशी खुशी कमेंट्री करने के लिए रेडी होंगे। पर कुछ भी हो जाए क्रिस जेरिको एमजेएफ को इतनी आसानी छूटने नहीं देने वाले, जो बात यहां पर क्रिस जेरिको ने कही। और गाइस यहां पर अपने इस प्रोमो के अंदर क्रिस जेरिको बहुत ज्यादा पैशनेट थे और यहां पर क्रिस जेरिको की बातें सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि सच में यहां पर क्रिस जेरिको अपने मैच हारने के बाद प्रोबेबली रिटायर होने वाले हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें एडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन और सीएम पंक के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि सीएम पंक कहते हैं कि जब सीएम पंक 15 साल के होते तब सीएम पंक के फेवरेट रेसलर डार्बी एलन होते, लेकिन जब डार्बी एलन 15 साल के थे तब सीएम पंक के डार्बी एलन के फेवरेट रेसलर थे, लेकिन सीएम पंक 7 साल के लिए गायब हो गए और अब सीएम पंक दोबारा से वापस आ रहे हैं, तो सीएम पंक को दोबारा से वापस देखकर डार्बी एलन खुश तो है, पर अब डार्बी एलन को भी अपने आप के लिए नाम बनाना है और डार्बी एलन को अपने आप को प्रूव करना है, इसलिए डार्बी एलन अपने आखिरी सांस तक सीएम पंक से लड़कर सीएम पंक को हराने के लिए रेडी है, जो बात यहां पर डार्बी एलन ने कही। लेकिन गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें पावर हाउस हॉब्स और ब्रायन केज के बीच में एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच देखने को मिला, जो मैच स्टार्ट होने के पहले ही ब्रायन केज ने पावर हाउस हॉब्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब ये मैच स्टार्ट हुआ तब हमें इस मैच के अंदर बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स देखने को मिले हैं और यहां पर पावर हाउस हॉब्स ब्रायन केज की फिनिशर को हर बार रिवर्स कर देते थे और ब्रायन केज पावर हाउस हॉब्स के हर एक मूव के ऊपर किक आउट कर देते थे, पर जब फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रायन केज पावर हाउस हॉब्स के ऊपर अपना फिनिशर डील को लगाने के लिए गए, तभी यहां पर हुक ने रेफरी को डिसाइड किया और इसी का फायदा उठाकर पावर हाउस हॉब्स ने ब्रायन केज को रिकी स्टार्स की तरफ ढकेल दिया, जहां पर रिकी स्टार्स ने अपने एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से ब्रायन केज के ऊपर अटैक किया और इसके बाद ब्रायन केज के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहां पर ब्रायन केज को पिन कर पावर हाउस हॉब्स ने मैच जीत लिया है, जो कि इस मैच का एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली ब्रायन केज मैच जीत सकते हैं, लेकिन गाइस यहां पर ऐसा नहीं हुआ, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे ब्रायन केज और पावर हाउस हॉब्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मैलिकाई ब्लैक के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए मैलिकाई ब्लैक ने कहा कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद अब तक मैलिकाई ब्लैक ने ली जॉनसन को करीब करीब 7 दिनों का टाइम दिया है, जिस टाइम के अंदर ली जॉनसन पीछे हट सकते थे, लेकिन अब ली जॉनसन पीछे नहीं हटे, इसलिए अब मैलिकाई ब्लैक ली जॉनसन का हाल कोडी रोड्स और ब्रॉक एंडरसन से भी बुरा करने वाले हैं, जो बातें यहां पर मैलिकाई ब्लैक ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि मैलिकाई ब्लैक और ली जॉनसन का मैच कब होता है और हमें इस मैच के अंदर मैलिकाई ब्लैक की परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है। पर गाइस इसके बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर क्यूटी मार्शल अपने स्टूडेंट्स के साथ रिंग के अंदर खड़े थे और यहां पर बातें करते हुए क्यूटी मार्शल ने पॉल व्हाइट को कॉल आउट किया, जिसके बाद यहां पर पॉल व्हाइट एके भिक्षु आ गए और पॉल व्हाइट के रिंग के अंदर आने के बाद ही क्यूटी मार्शल के एक स्टूडेंट ने पॉल व्हाइट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर पॉल व्हाइट ने हरे को साइड में लगा दिया, जिस बीच क्यूटी मार्शल यहां से भाग गई और तभी यहां पर पॉल व्हाइट की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि गन क्लब आ गया और इस बीच क्यूटी मार्शल एक स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आने का ट्राई कर रहे थे, पर बिली गन ने क्यूटी मार्शल को रिंग के बाहर कर दिया और बिली गन यहां पर स्टील चेयर लेकर क्यूटी मार्शल के लिए रेडी थे कि अगर क्यूटी मार्शल रिंग के अंदर आते हैं तो फिर बिली गन क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक कर देंगे, लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली यहां पर बिली गन ने पॉल व्हाइट के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कहना पड़ेगा कि यहां पर बिली गन और गन क्लब का एक हील टर्न हो चुका है और यहां पर बिली गन ने पॉल व्हाइट के ऊपर स्टील चेयर से काफी जोरदार अटैक कर बिली गन और गन क्लब यहां से चला गया और गाइस माना कि यहां पर गन क्लब का हील टर्न हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि गन क्लब और क्यूटी मार्शल एक साथ आ चुके हैं और पॉल व्हाइट की इंजर्ड हिप के ऊपर अटैक कर गन क्लब यहां से चला गया, लेकिन इसके बाद क्यूटी मार्शल रिंग के अंदर आ गए और क्यूटी मार्शल ने पॉल व्हाइट के ऊपर अपना फिनिशर डायमंड कटर लगाया, जिससे हम कह सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्यूटी मार्शल को अपर हैंड मिला है। तो देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पेपर के ऊपर क्यूटी मार्शल और पॉल व्हाइट के मैच के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर कह रही थी कि दो टॉप एजेंट्स ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कौन है रिवील करने के लिए यहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आई थी, लेकिन यहां पर आकर बातें करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि वो टॉप एजेंट कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ब्रिट बेकर है, जो लाइन देखने के लिए काफी वियर्ड लग रही थी। और गाइस यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस सुपरस्टार को एडब्ल्यू ने अपनी कंपनी के अंदर साइन
करने का सोचा है उस सुपरस्टार की अनाउंसमेंट यहाँ पर AEW करना चाहती थी, पर प्रॉबेबली लास्ट मिनट के ऊपर प्लान चेंज हो गए और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि AEW साइन की ऑफ रीजन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रिट बेकर है। पर इसके बाद जब टोनी शिवानी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर से पूछा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर क्रिस स्टैटलैंडर के लिए वरीड है या नहीं, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को क्रिस स्टैटलैंडर की कोई चिंता नहीं है और इस वीक के रैंपेज शो के ऊपर जिमी हेटर और एबल पूरी तरीके से क्रिस स्टैटलैंडर का ख्याल रखने वाली है। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही और सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन गाइस देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर किन दो फ्री एजेंट्स की बात कर रही थी, पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टाइकोंटी फिनोलफी फोर्ड को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले टाइकोंटी ने फिनोलफी फोर्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस मैच की शुरुआत में फिनोलफी फोर्ड और टाइकोंटी के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैच अपने एंड की तरफ गया वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इसके बाद जब फाइनली टाइकोंटी फिनोलफी फोर्ड के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, तब यहाँ पर बनी ने टाइकोंटी को डिस्चार्ज कर दिया, जिसका फायदा उठाकर फिनोलफी फोर्ड टाइकोंटी के ऊपर अटैक करने के लिए गई, पर एक्सीडेंटली फिनोलफी फोर्ड बनी के ऊपर अटैक कर सकती थी, जो देखकर फोर्ड तो रुक गई। पर यहाँ पर टाइकोंटी ने फोर्ड को बनी के ऊपर ढकेल दिया, जिसके बाद फिनोलफी के ऊपर एक रोलअप पिन कर यहाँ पर टाइकोंटी ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद फिनोलफी फोर्ड और बनी ने टाइकोंटी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एना जे टाइकोंटी को बचाने के लिए अपना रिटर्न करती हुई दिखाई दी है। और एना जे को यहाँ पर आता हुआ देख बनी और फिनोलफी फोर्ड रिंग छोड़कर चली गई, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे बनी और फिनोलफी फोर्ड और एना जे और टाइकोंटी के बीच में क्या होता है। पर गाइस इसके बाद बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेस थंडर रोजा का एक इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर नायला रोज और जेड कारगिल आ गई और इन्हें यहाँ पर आता हुआ देख थंडर रोजा ने कहा कि क्या वो थंडर रोजा को एक इंटरव्यू भी नहीं करने देने वाली। और एक कहकर थंडर रोजा ने नायला रोज और जेड कारगिल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर 2-on-1 अटैक के चलते यहाँ पर थंडर रोजा कुछ नहीं कर पाई। और इस सब के बाद यहाँ पर नायला रोज और जेड कारगिल भी एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, लेकिन तभी मार्क स्टर्लिंग ने इन दोनों को ही रोक लिया। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि ये सब इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए और उन्हें ये चीज ऑल आउट पेपर के लिए बचा कर रखनी चाहिए। जो मार्क स्टर्लिंग की बातें सुनकर नायला रोज और जेड कारगिल पीछे हट गई। और इसके बाद AEW अपने अगले रैंपेज शो और इस साल के अपने ऑल आउट पेपर के मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइस इस सब के बाद फाइनल टाइम हो चुका था इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर एक 8-man टैग टीम मैच के अंदर जुरासी एक्सप्रेस और लुचा ब्रोस मिलकर यंग बक्स और गुड ब्रदर्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ओ माय गॉड क्या मैच था ये। गाइस ये मैच AEW किसी पेपर के ऊपर होना डिजर्व करता है, पर हमें ये मैच AEW के फ्री टेलीविजन के ऊपर देखने को मिला है। जिस मैच की शुरुआत में बिग बॉयज यानी कि लुचा सोरस और डॉग गैलोज एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर जंगल बॉय की भी बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और हमें यहाँ पर जंगल बॉय के लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस की, तो गाइस जैसे मैचेस में यंग बक्स और लुचा ब्रोस की बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस होती है और स्पेशल रे फिनिक्स की, क्योंकि रे फिनिक्स ऐसे मैचेस के अंदर बहुत ही बड़े हाई फ्लाइंग स्टफ करते हैं जो देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आता है। पर गाइस एक बहुत ही बढ़िया और मेरे हिसाब में 5-star मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में रे फिनिक्स यंग बक्स के ऊपर एक टॉप रोप मूव लगाने के लिए गए, पर यंग बक्स ने रे फिनिक्स को गॉड कर लिया और यहाँ पर यंग बक्स ने रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर मैट्स ड्राइवर लगाया और यहाँ पर रे फिनिक्स को पिन कर यंग बक्स ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि लुचा ब्रोस मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और इनके अंदर आने के बाद केनी ओमेगा ने जुरासिक एक्सप्रेस और लुचा ब्रोस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए क्रिश्चियन केज आ गए और क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा के ऊपर स्पीयर लगाया, पर नंबर्स गेम के सामने क्रिश्चियन केज भी कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए केनी ओमेगा कह रहे थे कि केनी ओमेगा आज सुबह टोनी खान से मिलने के लिए गए थे, पर वो यूं ही नहीं गए थे बल्कि डॉन कैलिस ने केनी ओमेगा के केबिन से एक स्टील केज की चाबी चुराई है और अब केनी ओमेगा चाहते थे कि डॉन कैलिस स्टील केज को नीचे करे, जिसके बाद हमने देखा कि गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के रिंग के ऊपर एक स्टील केज बना हुआ था, जो स्टील केज धीरे धीरे नीचे आ गया और इस स्टील केज के अंदर द एलीट जुरासिक एक्सप्रेस और लुचा ब्रोस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और यहाँ पर काफी सारे सुपरस्टार्स लुचा ब्रोस और जुरासिक एक्सप्रेस को बचाने के लिए आ गए, लेकिन वो स्टील केज की वजह से रिंग के अंदर नहीं आ पा रहे थे। और फाइनली यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बक्स ने मिलकर जुरासिक एक्सप्रेस और लुचा ब्रोस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के बाद यहाँ पर क्रिश्चियन केज के ऊपर भी एक बीटी ट्रिगर लगाया, जिसके बाद इस वीक का AEW डायनामाइट शोफेस चला गया। और गाइस कहना पड़ेगा कि इस वीक का डायनामाइट शोफेस जाते समय AEW ने एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट दिखाया है, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे ऑल आउट पेपरव्यू के अंदर क्या होता है। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो कैसा लगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। पर ऐसे ही AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए और AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?